एक छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको टी फॉर कैट पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? टी फॉर। अब उसमें कैट को पढ़ाना है कि टी को पढ़ाना है? टी को पढ़ाना है? तो उसको पढ़ाते किसके माध्यम से? कैट के माध्यम से। ऐसे यहाँ पे पंच परावर्तन को समझना किसके लिए? पंच परावर्तन को पढ़ना, पंच परावर्तन समझने का ज्ञान नहीं लेना है, संयोगक्षम ज्ञान की बुद्धि हो उस अपेक्षा से नहीं पढ़ना है। पर ये पंच परावर्तन जो अनादि काल से हो रहे हैं, ये पंच परावर्तन कैसे टूटे उसके लिए हम पंच परावर्तन पढ़ रहे हैं। अब नहीं रखना है, अब संसार में परिभ्रमण नहीं करना है, उसके लिए ये पंच परावर्तन पढ़ रहे हैं। कल कहा था ना, एक कल कोई प्रश्न बाहर चल रही थी चर्चा, एक आलू के राई जितने कच्चे में, आलू के राई जितने कच्चे में, असल प्याज तो औदारिक शरीर, उसमें कितने जीव? अनंत जीव। कौन से? निकोटिया जीव। कितने कितने? एक राई जितने आलू के कण में, असल प्याज तो औदारिक शरीर, और एक एक शरीर में कितने निकोटिया जीव? अनंत निकोटिया जीव। और आगम में आया है कि तीन काल के सिद्ध कितने, सुनकर घबराहट छूटे दिया। उस अनंत निकोटिया जीव के ना अनंतवे भाग जितना, जितने तीन काल के सिद्ध होने वाले, कितने तीन काल के सिद्ध? वो अनंत जीव में से कितने भाग? अनंत में भाग जितने तीन काल के क्या होने वाले? सिद्ध होने वाले। तो बाकी सब कहाँ रखने वाले हैं? बाकी सब संसार में रखने वाले हैं। माने कितने बिरले जीव होंगे जिनकी बलि होनहार होगी, जिनका मोक्ष निश्चित होगा, वो जीव ही ये पंच परावर्तन को समझ के क्या करेगा? स्वभाव की दृष्टि करके पंच परावर्तन को तोड़ दे। बहुत बिरले जीव, बहुत कम उंगलियों पे गिनने वाले जीव तो ये तत्व को सुनते हैं, और परिणमन तो उससे भी कम। ये परावर्तन का कारण बताया ना, परावर्तन का कारण ये मोह है, मिथ्यात्व है। कहते ना, मिथ्यात्व के गर्भ में अनंत संसार करने की ताकत, और सम्यक्त्व के गर्भ में अनंत संसार को तोड़ने की।
एक समय का काम और कितना काल लगा देता ये जीव, अनंत काल। एक समय उपयोग में उपयोग उपयोगवान से जुड़े, उपयोग स्वभाव में जुड़े, एक समय में क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व का नाश और सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए। जो अपना नहीं है उसको अपना माना। ये मोबाइल किसी और का मोबाइल, किसी और का मोबाइल अपने अपना मानना, बोलो वो चोरी है कि सज्जनता है? ना चोरी। ऐसे ही शरीर, शरीर को अपना मानना वो चोरी है कि सज्जनता है? ये लगती है चोरी। बताया है ना कि देश की मग्नता ही मात्र दमकर है। कहा करते अपन, कहा अपन तो रात्रि भोजन नहीं करते, बिना सना जल पान नहीं लेते, सोले का खाते, इतने जीव आते हैं ना, और मांस पक्ष बोलो। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे कितने कड़क शब्द अटर देने चाहिए। देखी मग्नता, अपनी बुद्धि का बनाई, ये देन है जो मेरी कभी हुई नहीं और ना मैं उसका कभी हुआ हूं, ना दे मेरी कभी हुई है। मुझेरा बिगड़ी ना जगता रे, दोनों खोली रहे, सुई बिना की सुई बिना की डोरे बिना की सुई, धागे बिना की सुई, बोलो क्या हो जाएगा? गुम हो जाएगी ना। और वो सुई में धागा डाला होगा तो मिल जाएगी ना। ऐसे सम्यक्त्व का धागा होगा तो चार गति में रखने वाला नहीं है, कहीं नहीं घूमेगा। पर सम्यक्त्व के बिना बार में ठाक पुण्य का उदय, स्वर्गादि की प्राप्ति मिल जाए तो भी कहते हैं कि अंत में कहाँ जाने वाले हैं? बोलो एक इंद्रिय, एक सुख भाव में एकाध भाव तो सुधर जाएगा, क्या दम है? स्वर्ग आदि की प्राप्ति कितनी बार की? बोलो अनंत बार की ना, क्या दम है? कितना दुख है वहां पे, कोई गति ऐसी नहीं है कि जब सुख है। अरे एक ही दशा में जीव अनंत का सुख में ही विराजमान हो सकता। कौन सी दशा? नहीं है समझ में आ रहा है कि नहीं? कहा सुख ढूंढ रहा है? क्या सुख है? क्या एक समय भी क्या नहीं कर रहा है? दृष्टि नहीं कर रहा। जब दृष्टि पड़ी प्रभु की तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं भी सही वो गो में है, तुमको लग सज ज्ञान हुआ। क्यों मिले ये जिनेन्द्र भगवान, क्यों मिले ये विचरागी जे, क्यों मिले हमको श्रीमंडल भगवान, क्यों मिलते हैं? क्यों रोज सुबह दर्शन करते हैं? पुण्य बांधने के लिए या अपने स्वभाव की गति करने के लिए? ये जिनेन्द्र भगवान हमको मौन उपदेश दे रहे, मत देखो मेरे सामने। किसने किसके सामने देखो? मैं देख रहा हूँ ऐसा पदार्थ हम भी है, और इसके सामने देखेंगे तो परावर्तन खड़े रहने वाले भी है। बाहर में तो किसी का वियोग होता है ना, बहुत दुख लगता है। पति को पत्नी का वियोग होता है तो बोलो दुखी हो जाता है ना जी। पत्नी को पति का भी हो दुखी होते हैं ना, पिता को पुत्र का भी हो। ये दुख का कारण है ही नहीं, ये वियोग दुख का कारण नहीं है। कौन सा वियोग दुख का कारण है? कभी लगा एक समय भी ऐसा लगा कि मुझे मेरे स्वभाव का वियोग है?
शरीर का वियोग तो निश्चित है, पर द्रव्य का वियोग तो होने वाले है, क्योंकि जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग नियम से होगा होगा होगा। पर पर्याय में स्वभाव का वियोग है वो अभी तक इसका खेद नहीं लगता आजीव को। अभी तक ये मनुष्य बहु कितने साल हो गए बोलो, 60, 70, 80, ये जा रहे दिन जा रहे, एक समय की पर्याय का भरोसा नहीं, एक समय बाद क्या हो जाओ परिणामों का भरोसा नहीं, तो संयोग का तो क्या भरोसा। कभी शुभ कभी अशुभ देखते ना, कभी इतने परिणाम विशुद्ध कभी इतने परिणाम मलिन, क्योंकि परिणामों का स्वरूप ही बदलना है। शुभ और अशुभ अंतर मुहूर्त में वो बदले बिना, पर पुरुषार्थ शुभ और अशुभ बदलने में नहीं, पुरुषार्थ तो ये है कि शुभ के काल में भी मैं शुभ वाला और अशुभ के काल में भी मैं अशुद्ध हुआ नहीं हुआ, ये पुरुषार्थ। अशुभ परिणाम के काल में भी मैं तो जो का यो, मैं तो शुद्ध। आज पहला परावर्तन कौन सा, द्रव्य परावर्तन। अब द्रव्य परावर्तन के दो भेद है, कितने भेद है, दो। द्रव्य परावर्तन के दो भेद, द्रव्य परावर्तन का आगम में दूसरा नाम आया है पुजगल परावर्तन। अब ये किसके साथ संबंध रखता है, तो पहले तो अपन द्रव्य परावर्तन के दो भेद करें, एक तो नौ कर्म और एक कर्म पुजगल परावर्तन। फिर से एक नौ कर्म पुजगल परावर्तन और एक कौन सा, कर्म पुजगल परावर्तन। नौ कर्म पुजगल परावर्तन का संबंध किसके साथ है, तो नौ कर्म से ही पता चल जाता है कि ये परावर्तन शरीर के साथ संबंध रखता है, और कर्म पुजगल परावर्तन नाम से ही पता चलता है कि कर्म के साथ संबंध रखता है। आपको पता है वर्गना कितनी होती है, वर्गना टोटल बहुत बढ़िया 23 वर्गना, तब स्वाध्यायी जीवन 23 वर्गना है, 23 लेके 5 वर्गना ऐसी है जो जीव के साथ संबंध रखती है। तेजस यानी आहार, तेजस भाषा मनो और कारण, कारमन को एक लास्ट में रखते हैं। जो पहली चार बताई ना, वो पहली चार जो है वो उसको नौ कर्म वर्गना कहते हैं, क्योंकि जब भी शरीर की रचना होगी तो ये नौ कर्म परमाणु शरीर के रूप परिणमन होंगे, और जो कारमन वर्गना है वो कर्म रूप परिणमन होंगे। फिर से पहली चार वर्गना कौन से रूप परिणमन होंगे, शरीर। एक गति से दूसरी गति जी जाता है ना, तो शरीर भी बदलता है, गति बदली तो क्या बदला, समझ में आ रहा है, सब कुछ बदल जाता है, पूरा पैकेज लेके आता है जी। नाम कर्म की प्रकृति है ना, उसी प्रकार के सहलन होंगे, उसी प्रकार के संस्थान होंगे, उसी प्रकार का शरीर होगा, और परिणाम भी उस गति के अपेक्षा होगा, उस गति के रिलेटेड ही होगा परिणाम। अब नौ कर्म से संबंध रखता है शरीर से, और कर्म वर्गना से संबंध रखता है कर्म से। अभी नौ कर्म पुजगल परावर्तन में तो हमको खाली शरीर का देखना है, और जब हम कर्म पुजगल परावर्तन को देखेंगे तब हमको आठ कर्मों को देखना। इतना क्लियर, अभी तक तो कुछ हार नहीं है, इजी एकदम। देखो एक समय प्रबद्ध आया है आगम में, एक समय प्रबद्ध माने क्या, एक समय में जो जीव
कर्म कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है ना, उसको बोलते हैं एक समय प्रबज। एक समय प्रबज ग्रहण करता है और एक समय प्रबज को छोड़ता है। फिर से क्या कहा? एक समय प्रबज परमाणुओं को ग्रहण करता है और एक समय प्रबज परमाणुओं को छोड़ता है। आबादा काल बताया, आबादा काल जबकि वो ग्रहण करेगा ना, जब तक उदय में नहीं आएगा तब तक जो सत्ता में परिकर्म है, सत्ता में, उसको कहेंगे आबादा काल। उदय में आना चालू हो गया माने उसकी क्या हो गई, उसका क्या हो गया, उदय आना चालू, फल देना चालू हो गया। जब तक वो फल नहीं दे रहा था तब तक तो उसको कहेंगे क्या कहेंगे, आबादा काल। बहुत संक्रमण हो जाता है आबादा काल में, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, ये हर समय चलता है। किसके आधार से? पता आपको? परिणामों के नीत के आधार। इसलिए कहते ना परिणाम, परिणाम हर समय कैसे हो, ऊंचे होगा, उसी गति उसी दशा को प्राप्त करना। वो मंदिर बनाते हैं ना मंदिर, बोलो जैसे जैसे वो मंदिर ऊपर 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 बनता जाता है परिणाम कैसे होते, विशुद्ध 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 होते हैं ना। सबको भगवान आत्मा, गुरुदेव क्या कहते हैं, हम तो भगवान आत्मा है पर पूरा जगत हमारे लिए क्या है, भगवान आत्मा। मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ, मुझे क्षमा कर दे। पर्याय तो बदलने का ही, पर टिकने वाला पदार्थ कभी बदलने वाला नहीं है। वो व्हाट्सएप पे आता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे वो फोटो बताते ना फोटो, वो क्या करते हैं पता है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो फोटो बदलते रहते हैं, बदलते है ना। क्यों बदलते हैं पता आपको? ये देह में क्या है, एकत्व। ऐसे कह रहे हैं कि जैसे वो फोटो बदलते हैं ना, ऐसे चार गति में ये शरीर भी बदलते रहे हैं। शरीर की दृष्टि, नए नए शरीर, नए नए शरीर आता है कि इतनी माताओं को रुलाया है, ये नए नए शरीर धारण करके इतनी माताओं को रुलाया है कि वो माताओं का आंसू, ये आंसू को इकट्ठा करो तो समुद्र के समुद्र भर जाए, समुद्र के समुद्र भर जाए। इतनी बार मैंने ये दुनिया में, ये लोक में क्या किया, जन्म और मरण किया। जिसके संगारों में मेरा ये रहेगा जीवन दुर्जाता, अत्यंत बिगड़ काया जाना। खाली एक समय तो सोचो कि देह में क्या भरा है, और एक समय के लिए ये तो सोचो कि मेरे में क्या भरा है। ये देह मल मूत्र माज से बनी है, और मैं किससे बना हुआ हूँ, अनंत गुणों, अनंत धर्म, अनंत शक्तियों से भरा हुआ। इसके किसके अभिमान किए, देह सुंदर तो किसको सुंदर माना, मैं सुंदर, और देह कुरूप मिला तो किसको कुरूप माना, क्या लगा इतने, बोले सनत कुमार चक्रवर्ती, किसकी किसका किसका अभिमान, देह के अभिमान में एक समय में क्या हो गया, हो सुंदर शरीर में एक समय बाद क्या हो गया, कोड़ के परमाणु घुस गए और कितने सागर तक,
700 वर्ष तक वो क्या रहा, ओढ़ रहा। 700 वर्ष आदम में आया है, एक शरीर में रोग कितने, एक शरीर में रोग बताया है 5 करोड़, ना 68 लाख, 99,000, 99,584 रोग है एक शरीर में। कितने रोग, फिर से 5 करोड़, कितने 5 करोड़, 68 लाख, 99,000, 584 रोग एक शरीर में, और एक एक रोग में बताया छन्नु छन्नु रोग, एक एक रोग में। क्योंकि ये देह तो रोग की मूर्ति है, और उसी देह देवालय के बीच में मैं तो कौन सा तत्व, निरोगी तत्व लगता है, बोलो क्या याद आता है सुबह उठ के, कौन याद आना चाहिए, कौन याद आता है। सबसे पहले ये शरीर याद आता है ना, इसको ही निलाना, इसको क्या करना, सवारना, ठीक है ना। कितनी जगह पे तो सुबह सुबह क्या याद आता है पता है, जिम याद आता है, जिम पता है, जिम क्या होता, शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं लोग, आता ना सुबह वो रामदेव बाबा सीढ़ी खोल के बैठ जाते हैं, पर क्या याद आना चाहिए, आत्मा याद आना चाहिए, जायज याद आना चाहिए, जायज याद ही नहीं आता। किसी को किसी का व्यसन, किसी को किसी का व्यसन है ना, किसी को वो पेपर पढ़े भी ना चलना पड़े, किसी को सुबह चाय के बिना चलना पड़े, किसका किसका व्यसन है, कभी अपने आत्मा के बारे में सोचा ही नहीं, समय ही नहीं निकालता ही, जब चिंतन नहीं आएगा तो अनुभव कहाँ से होगा, बहुत दूर की बात है, अनुभव करना तो बहुत दूर की बात है, पहले विकल्पों में तो आए, हर समय गायब निश्चय तो हो, चिंतन में तो आए बारंबार बारंबार। इस दरावन यदि जड़ता थी प्यार में, तू जीवन बनने का क्या अधिकार तुम्हें, लूट लिया अब तक कितना सार ने, कितनी प्रीति मिली तुमको जड़ के प्यार ने, किसे लूट लिया, एक मनुष्य बहु मिला था इतनी दुर्लभता से अपना काम करने के लिए, कभी चर्चा हो रही थी बात के इतने भव्य जीव है, इतने भव्य जीव, जीव कौन से, अभवी नहीं भव्य, कहाँ पड़े है पता आपको, निगोद में पड़े हैं, और सुनना अभी अनंत काल के निगोद में पड़े हैं, और अनंत काल तक निगोद में से बाहर आने वाले नहीं, वो भी अभवी नहीं, कौन सी भवी ही, लायकात है, योग्यता है, पर क्या नहीं करता वो, पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा है। एक होता ना, एक बच्चा बहुत बहुत ही शैतानी करता है, पढ़ाई में बहुत होशियार है, और दूसरा बच्चा पढ़ाई में कहता है होशियार नहीं है, अब जो होशियार है उसके पास तो क्या है, टॉप आने की क्या है, टॉप आने की क्लास में वन फर्स्ट नंबर लाने की क्या है ना योग्यता उसने, पर क्यों नहीं आता है, मेरा प्रश्न क्यों नहीं आता है उसका,
क्योंकि वो पुरुषार्थ तो पढ़ाई नहीं करता ना। उसकी माता क्या बोलती है कि तू पढ़ाई करे तो तू फर्स्ट आए बिना है गॉड, पर करे तब तो। ऐसे भव्य जीव है कि योग्यता तो है पर क्या नहीं कर रहे हैं, प्रमाद में जीवन गवा दिया, पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, इस प्रकार की रुचि नहीं हो रही है। रुचि होना बहुत जरूरी है। आ जाओ पहला परावर्तन, नौ कर्म परावर्तन। नौ कर्म परावर्तन में एक 5 मिनट के लिए प्रोजेक्टर चालू करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ऐसा कोई प्रोजेक्टर तीन प्रकार के परमाणु हैं। अब नौ कर्म परमाणुओं को समझने के लिए तीन प्रकार के परमाणु को समझना पड़ेगा। जो भी ये नौ कर्म को ग्रहण करता है ना परमाणुओं को, वो तीन में डिवाइड किए आचार्य देव ने, तीन में। अब हमको काल देखना है, क्या देखना है, किसका काल देखना है, एक एक कुजगल परावर्तन कितना बड़ा हमको देखना है ना, एक कुजगल परावर्तन कितना, क्योंकि हमने इतने कुजगल परावर्तन कितने किए, अनंत किए ना। और एक कुजगल परावर्तन गिनने के लिए आचार्य देव ने तीन परमाणु कहे, तीन प्रकार के। पहले प्रकार के परमाणु ग्रहित परमाणु, ग्रहित। दूसरे प्रकार के परमाणु क्या कहे दीदी अभी, अग्रहित परमाणु दूसरे। और तीसरे प्रकार के कहे मिश्र परमाणु, जिसमें ग्रहित भी है और अग्रहित भी है। इतना सिंपल इजी हो गया। फिर ग्रही कौन कौन से तीन, कौन कौन से तीन, पहला ग्रही, अग्रही और मिश्र, हाँ लगे ना। अब उसके लिए साइन दी है, उसके लिए साइन दी है, क्या साइन दी है वो अपन देखते हैं। ग्रहित के लिए ग्रहित परमाणु को एक 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 से बताया, एक आंकड़ा। अग्रहित परमाणु को शून्य से बताया, शून्य। और मिश्र परमाणु को प्लस, प्लस की साइन, प्लस की साइन होती ना, प्लस माइनस, तो प्लस की साइन से किसको बताया, मिश्र परमाणुओं को बताया। फिर अग्रहित परमाणु किसको बताया, शून्य। ग्रहित परमाणु को एक से बताया और मिश्र परमाणु को प्लस से बताया, तीन हो गए। अब आप पहले तो ये प्रश्न करोगे कि ग्रहित क्या है, अग्रहित क्या है और मिश्र क्या। ग्रहित नाम से ही पता चलता है, बार बार ग्रहण करना, बार बार ग्रहण किए छोड़े, ग्रहण किए छोड़े, उसको क्या कहेंगे, ग्रहित। अग्रहित माने जो पहले कभी ग्रहण नहीं किए थे, अग्रहित माने कभी ग्रहण नहीं किए तो उसको बोलेंगे अग्रहित, उसको क्या बोलेंगे, अग्रहित। और मिश्र माने जो ग्रहण ऐसे परमाणु, क्योंकि एक समय में तो अनंत परमाणु ग्रहण करता है, फिर से एक समय में समय प्रबचता ना, अनंत परमाणुओं में ऐसे परमाणु है कि जो ग्रहित है, ग्रहित का क्या बताया, ग्रहण किए छोड़े, ग्रहण किए छोड़े। अग्रहित माने जो कभी पहली बार ग्रहण करा। और मिश्र माने ऐसे अनंत परमाणु है उसमें थोड़े ग्रहित भी है और थोड़े अग्रहित भी। नक्की हो गया इतना, तीन चीज है ना। त्रस पर्याय की स्थिति कर सकते ना, त्रस पर्याय की स्थिति कितनी कही थी, त्रस पर्याय की स्थिति देखो, आया आ गया सामने ही है। देखो अग्रहित को नीचे लिखा ना, शून्य मिल गया,
अभी भी हाँ गरीब को क्या कैसे लिखा वन और मित्र को कैसे लिखा प्लस लिखा है। अब ये देखो नीचे साइन दिए जीरो प्लस और वन। अभी अपन ये थोड़े टाइम में ये यंत्रों को देखेंगे। अब इसको गिनने के लिए आचार्य देव ने एक यंत्र बनाया। ये टाइम है बहुत बड़ा है, माने अपन कल्पना नहीं कर सकते। ये परावर्तन का विषय ऐसा है कि ये विषय सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा दे, माने रोंगटे खड़े हो जाए। पांच इंद्रियों का जो आकर्षण है ना, ये नए नए शरीर, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये गहने, ये भोजन, ये नए नए आइटम, ये सब प्रकार की रुचि छोड़ा दे, क्योंकि ऐसा कोई संयोग नहीं है कि हमने भूतकाल में नहीं भोगा है। एक ही पदार्थ को सुना, एक ही पदार्थ को अपन ने एक बार नहीं, एक ही पदार्थ, इसी पदार्थ को हमने अनंत बार भोगा। ये खरेखर अभी जो हमको ये संयोग मिले हैं ना, ये संयोग हमने जो पूर्व में वॉमिट किए थे, वो वॉमिट किए हुए पदार्थ से वापस जान एक को विषय नहीं बनाया। एक को ये सारे विषय तो बदले, पर जिसको विषय बनाना था उसको क्या नहीं किया, ख्याल है कि नहीं। एक में गुरुदेव का इतना जबरदस्त बोल है, अनेक में अहम बना किया तो अनेक शरीर मिले, और एक में अहम बना करेंगे तो एक गति में क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। अब करना क्या है वो अपने हाथ में है। बोलते ना पूरी गेम, पूरी बाजी किसके हाथ में है, माने भविष्य और भविष्य दुखमय गवाना है कि भविष्य और सुखमय, वो किसके हाथ में है, मेरे हाथ में। ये पांच इंद्रियों के विषयों की रुचि कराता है तो, क्योंकि उसमें सुख नहीं है। एक ही पदार्थ का एक बार नहीं, एक जीवन अनंत बार होगा, नहीं है कुछ। ओ जी संगे देह के संग क्या जीना, देह के संग क्या जीना, नरकों में मानव हिरण से दान ने शांति नई नारी जन्म नरण करे कर अनंतकाल। राग करने लायक नहीं है कोई भी पदार्थ हो, फिर वो अशुभ राग हो या शुभ राग। साधर्मियों का राग भी कैसा है, आत्मानुभूति में बाधक। देश आत्म गुरु का राग भी मुझे मेरे निर्विकल्प अनुभूति में कैसा है, बाधक है। तो फिर अप्रत्यक्ष राग की तो क्या बात करें। पति का राग, पत्नी का राग, पुत्र का राग, पैसे का राग, धन का राग, गाड़ी का राग, वो तो क्या, वो तो कहां का रह गया। जब गुरु गुरु के भेद का भी विकल्प रहेगा, ज्ञान में वो रहेगा, वो विकल्प बनेगा। जब तक देह शास्त्र गुरु देह बनेंगे तब तक जायक देह नहीं बनेगा। जायक को देह बनाने के लिए क्या करना है, सब और भी शक्ति हटाना है, तोड़ एक बार
समझदार लेते वो कैसे कठिन शब्द लिखे, मन पक्ष के भी ये काम करते, मन पक्ष के भी मरना मंजूर है। क्या कहा? मरना मंजूर है, पर ये मोह मुझे मंजूर। कैसी दशा श्रीमद राजचंद्र जी की कृपालु देश भी की, कैसी दशा हो गई थी कि हमको सातवीं नरक की समतम नरक की प्रतिकूलता तो जान है, पर हमको ये मोह ही सम्मत नहीं रह गया। अब मोह का बोझा लग रहा था, कर्ता बुद्धि एकत्व बुद्धि राग का, क्यों राग करे, राग करने जैसा नहीं, तीसरा भाव प्रगट करने जैसे। आगे यहाँ पे अब अपन केवल पे आते हैं, अब ये तीन साइन समझे। अब अपन केवल पे आए, पहले केवल में अपन कॉलम वाइज देखे, कॉलम रो रो हो गए आई और कॉलम हो गया सीधा, चार कॉलम है ना, ठीक है, पांच कॉलम है ना। पहले अपन रो में देखे, देखो चार का लिखा है, ये चार जो है ना उसको बोलते हैं पाया, चार पाया, और चार पाया में पहला पाया जो हाथ दिखा रहे ना, पहला पाया वो पहले पाये का पहला कोठा, उसको क्या बोलेंगे, कोठा, जिसमें लिखा है ना जीरो जीरो प्लस पहला। अब ये आचार्य देव ने हमको कोठा बना के दिया, ये पूरा एक यंत्र बना के दिया जिससे हमको पता चलेगा, अब हमको गिनना है, हमको पता चलेगा कि एक फुटकर परावर्तन पूरा होने में कितना टाइम लगता है। अब एक एक पता चल जाएगा ना, फिर अपन अनुमान लगा सकते हैं कि अनंत में कितना काल निकल गया होगा। अब एक को समझो, अब पहला पाया था पहला कोठा, अब और एक चीज बतानी रह गई, जहां पे भी दो बार लिखा होगा ना, जहां पे भी कोई भी चीज दो बार लिखी होगी, माने समझना, क्या समझना, दो बार लिखे लिखी हुई चीज को समझना, अनंत बार, फिर से जहां पे भी कोई भी चीज दो बार आएगी क्या समझना, बराबर क्लियर। अब देखो पहला पाया का पहला कोठा जीरो जीरो प्लस, अब जीरो माने क्या, पहले तो मैं आपको एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ, ग्रही अग्रही और मित्र। जैसे कहीं से कोई बस जा रही होती है ना, रोज कोई बस जाती है, और वो बस में रोज जाने वाले जो पैसेंजर होते हैं ना, जो यात्री होते हैं, वो ऑफिस वाले होते हैं। सोम से शुक्र जाने वाले कौन होते हैं सर, जो ऑफिस जाते हैं, माने रोज वो बस में ट्रेन के थे वही यात्री, समझ आ रहा ना, तो चेंज के चेंज हो गए माने कौन से परमाणु, ग्रही से अग्रही, रोज चेंज, रोज तीन चेंज तीन, तो ग्रही हुए ना, ग्रही माने क्या कहा था, एक बार धारण किया फिर धारण किया फिर छोड़ा फिर होके वो, ऐसे आज भी वही पैसेंजर, कल भी परसों भी, तो वो हो गए कौन से पैसेंजर सारे, ग्रही। उसमें कोई एक आध कोई नया चढ़ा, तो अब उस बस में कौन कौन है, ग्रही भी है माने पुराने वाले भी है, और चार पांच, समझ आ रहा कि नहीं, हो गया ना मित्र। अब शनिवार और रविवार आया, अब जो भी ऑफिस वाले थे वो तो सब घर पे क्या कर रहे हैं, अब शनिवार और रविवार वो बस में सारे के सारे नए यात्री, अब आप ही बताना ग्रही होंगे अग्रही होंगे कि मित्र होंगे, ग्रही कि अग्रही,
फिर से ग्रहित या अग्रहित? अग्रहित लॉक किया जाए पक्का। बहुत बड़ी सारे कौन से हैं? और नहीं क्योंकि सारे के सारे नए आ गए तो नए ख्याल आया है ना। अब यहां देखिए, अब पहला 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 पाया का पहला कोठा क्या लिखा है? जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस जीरो माने क्या? जीरो माने क्या? अग्रहित। डबल बार आया डबल बार माने क्या? अनंत बार। अब अपन ने चालू किया, क्या चालू किया पता है? उद्गल परावर्तन को नौ परावर्तन को गिनना चालू किया। कोई पर्टिकुलर समय में इस जीव ने क्या किया? इस जीव ने सारे के सारे पहले समय में सारे के सारे अग्रहित परमाणुओं को ग्रहण किया। कितने परमाणु? सारे के सारे, सारे के सारे पहला है ना जीरो जीरो। सारे के सारे जो भी ग्रहण करेगा, अनंत ग्रहण करेगा, सारे के सारे कौन से होने चाहिए? कौन से? जीरो माने? जीरो माने अग्रहित। सपोज उसने कोई भी एक परमाणु ग्रहित का आ गया तो वो मिश्र हो जाएगा ना, तो वो नहीं गिनना। सारे के सारे कौन से होने चाहिए? और ग्रहित ही होने चाहिए, माने ऐसे परमाणु के जो जीव ने पहले कभी ग्रहण हाला रहे कि नहीं। बहुत टफ है ये, अनंत परमाणु आ रहे हैं उसमें सारी की सारी कैसे होने चाहिए? और ग्रहित एक भी उसमें ग्रहित आ गए ना तो वो गिनना, टाइम गिनना, समझ आए? टाइम गिनना। पर वो परावर्तन में गिना पहले तो जब चालू करेंगे, चालू तो तब होगा जब पहले समय में जब भी वो अनंत परमाणु सारे के सारे अग्रहित ही ग्रहण करेंगे। अब जीरो जीरो कितनी बार लिखा है? दो बार ना। तो ऐसे अग्रहित परमाणु को वो कितनी बार करेगा ग्रहण? अनंत बार करेगा। एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया। अब एक बार और दूसरी बार किया उसमें तो बीच में कितनी बार तो वो ग्रहित ग्रहण करेगा और मिश्र ग्रहण करेगा? दूसरी बार सारे के सारे अग्रहित करने के लिए कितना काल चला जाए? समझ में आ रही है? अभी तो पहला खाली पहला कोठा पूरा होने में अनंत काल निकल जाता है। अब अनंत बार उसने अग्रहित किया, फिर प्लस प्लस माने कितनी बार लिखा है? एक बार है ना। अब अनंत बार वो अग्रहित करेगा, उसके बाद एक बार वो क्या ग्रहण करेगा? मिश्र करेगा। मिश्र माने कि जिसमें ग्रहित भी है और अग्रहित। इतना इजी। फिर से अनंत बार अग्रहित और एक बार मिश्र। अब देखना, अब दूसरा कोठा भी सेम सेम है ना, जीरो जीरो प्लस अनंत बार अग्रहित और एक बार हो गया। और एक ही कोठा दूसरी बार लिखा है, दो बार लिखा है, दो बार अच्छा ना। दो बार लिखा माने क्या समझना? दो बार लिखा है माने अब पहला जो अनंत बार अग्रही और एक बार मिश्र, उसको वो अनंत बार करेगा। पसीने छूट रहे? मुझे तो छूट रहे। देखो यहाँ पे अनंत बार अग्रही
एक बार मिश्र, दूसरे कोठे में भी वापस अनंत बार अग्नि और एक बार। पर ऐसा कितनी बार लिखा है? दो दो कोठे कितनी बार? नहीं नहीं, पहले 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 अभी पहले ही देखो, पहले दो बार लिखा ना, तो दो बार लिखा मैंने क्या समझना? क्लियर? अभी तो अपन पहले दो कोठे में ही है, अभी तीसरे में जाओ ही मत, अभी तो दो होने में अनंत काल निकल जाएगा। हाँ, दो में अनंत काल। बोलना तो बहुत आसान है, पर टाइम का भाव शासन, टाइम का भाव शासन करा रहा हमको। एक क्षण मात्र में ये सारा संयोग छोड़ के ये जीव चला जाएगा। गुरुदेव कहते ना, वो उदाहरण देते ना बहुत बार, शांतिलाल श्रीलाल भाई गोवा वाले, कितना संयोग था बाद में वैभव? 2,40,00,000,000। क्षण मात्र में छोड़ के चले गए, क्या हो गया? हाथ से अपन देखते ना, कितने छोटे छोटे उम्र के लोग होते हैं। अभी तो कैसा सुनने में आता है ना, रोज के रोज किसी को कैंसर, किसी को टीवी, किसी को हार्ट अटैक, किसी का एक्सीडेंट। ये मनुष्य पर्याय जाने में टाइम लगने वाली नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहे कि दो हो गए दो कोठे, अब तीसरे पे जाओ। पहला दो कितनी बार किया? अनंत बार किया, क्योंकि दो बार हुआ। अब तीसरा 001 माने अनंत बार अग्रही और एक बार ग्रही। अब ये तीन हो गए। अब आप देखना कि वो उसके बाद के तीन है ना, आप देख रहे हो, वो बाद के तीन भी कैसे है? सेम है कि नहीं? सेम है कि नहीं? 00 प्लस 00 प्लस और 00। अब वापस सेम करेगा, अनंत बार अग्रही एक बार विश्र, फिर वापस दूसरे कोठे में अनंत बार अग्रही और एक बार। अब वापस कितनी बार ऐसा करेगा? क्यों अनंत बार? क्योंकि दो बार कोठे दो बार आए ना। फिर तीसरे पे जाओ, लास्ट वाला छठा नंबर का कोठा, अनंत बार अग्रही एक बार। हो गया पुद्गल परावर्तन? हो गया कि नहीं? अभी तो पुद्गल परावर्तन का पहला पाया पूरा हुआ। कौन सा पाया? अभी पहला भी नहीं हुआ। अभी सुनना, छठा नंबर का बॉक्स हो गया ना छठा, उसके बाद क्या करना? छठे नंबर के बॉक्स के बाद पहले तीन बॉक्स दूसरी बार डबल बार रिपीट हुए ना, वापस हुए ना, तो पहले तीन बॉक्स है, तीन कोठे कितनी बार करेंगे? ख्याल आया? बराबर है, अनंत बार। क्यों अनंत बार? क्योंकि पहले तीन कोठे सेम दूसरी बार रिपीट हुए ना, इसलिए पहले तीन कोठे को कितनी बार करना? अनंत बार करें। तब जाके खाली पहला पाया पूरा होता है। अब आगे का नहीं चले, आगे का वैसे ही टेन टू टेन। अब पूरा हो गया, ये पूरा यंत्र अब हो गया कि नहीं? पुद्गल परावर्तन, एक नौ कर्म परावर्तन, तो कह रहे अभी भी नहीं हुआ, तो क्या अभी क्या बाकी है? इसमें तो अनंत काल निकल गया। अब एक और, जब वो लास्ट में पहुंचेगा ना, लास्ट कोठा, फिर उसके बाद क्या? जो पहले समय में, सुनना, जो पहले समय में जब चालू हुआ था, पहले समय में जो परमाणु जितनी संख्या जो पर गंध वर्ण वाले जितनी स्थिति और अनुभाग वाले सेम टू सेम
अनंत परमाणु वापस ग्रहण करेगा, तब जाके उसका एक नौ कर्म भूगल परावर्तन। आज आपको तो आप लोगों को नींद ही नहीं आने वाली है ना। एक नौ कर्म, एक नौ कर्म में इतना इतना समय पूरा ये हो गया ना पूरा। उसके बाद फिर से जब पहले समय में जैसे परमाणु और जो वही वो परमाणु वापस धारण करेगा, तब जाके उसका एक नौ कर्म पुत्र परावर्तन पूरा होगा। और ये इतना क्यों कभी सोचा? ये एक परावर्तन हुआ और वो भी अभी कर्म बाकी है। अभी तो नौ कर्म देखा और उसमें भी एक ऐसे नौ कर्म हमने कितने अनंत किए। जो अपवित्र था, जो मन से बना हुआ था, उसने क्या किया? उसने अपनापन किया। समझ आ रहा है ना? जो मेरा कभी हुआ ही शरीर अपवित्र, आज पंडित जी ने बताया तुझे शरीर अपवित्र है, पर उससे भी अपवित्र क्या है? राधा जी भाव अपवित्र है। और मैं कहता बोलते ना, शरीर के संयोग में जो भी आता है ना, क्या हो जाता है? अपवित्र। पर शरीर के अंदर रहने के बावजूद भी आत्मा कभी अपवित्र हुआ नहीं। शरीर का मरण है पर आत्मा का मरण, शरीर अपवित्र है पर मैं पवित्रता की मूर्ति हुआ। शरीर की दृष्टि दुख का कारण और स्वभाव की दृष्टि सुख का कारण। समझ में आ रहे थे? देह मरी थी खून की मर तो अगर अमर हूँ अविनाश। क्या कहा? देह मरे थे खून की मर तो, क्योंकि मैं कहता अजर अमर तत्व अविनाशी तत्व। एक ही ज्ञान की उपयोग की पर्याय, एक ज्ञान उपयोग की पर्याय, उपयोग की पर्याय एक। अब उसको कितने लगाना वो पर्याय के पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। अभी तक वो ज्ञान कितने रमणता कर रहा है ये शरीर में, ये परद्रव्यों में। हाँ? होता ना आजकल ही निकले वो नल होते ना, नल नल एक, नल को एक इस बाजू घुमाओ, ऐसे घुमाओ तो गर्म पानी, और उसी नल को ऐसे घुमाओ तो ठंडा पानी आता है। नल कितने? दो के एक। ऐसे ज्ञान पर्याय कितनी? दो के एक। ज्ञान पर्याय को बाहर घुमाई, बाहर में लगाई तो पीजी वाली बोलो कौन सा पानी? राग द्वेष रूपी कौन सा? राग द्वेष रूपी गर्म पानी। और उसी ज्ञान की पर्याय को अंदर घुमाई तो निर्मल पर्याय की शीतल पानी। दूध वो का वो शुद्ध मर्यादित शुद्ध पवित्र, उसी दूध में शक्कर डालो तो दूध, और उसी दूध में जहर डालो तो 10 लीटर दूध में एक बूंद, एक बूंद तो डाला खाली, एक बूंद 10 लीटर तो शुद्ध है ना, पूरा का पूरा पी पाओगे बोलो? पूरा का पूरा जहर भाई। ऐसे ज्ञान की पर्याय तो निर्मल, पर वही ज्ञान की पर्याय उपयोग की पर्याय परगने में रमी। परगने को गिने बनाया तो वही ज्ञान की पर्याय का नाम पड़ गया मिथ्या ज्ञान, और उसी ज्ञान की पर्याय में आत्मा प्रसिद्ध हुआ तो उसी ज्ञान पर्याय का नाम पड़ गया सम्यक ज्ञान।
कहते ना आत्म ज्ञान बिना शेष सभी अज्ञान हो गया। एक 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 नौ कर्म परावर्तन, ऐसे ही दूसरा कर्म परावर्तन। अब कर्म परावर्तन लो, अब कर्म परावर्तन माने क्या ग्रहण करेगा, वो कर्म को ग्रहण करेगा। ऐसे ही सेम टू सेम देखना है पूरा यंत्र। वापस कर्म ने भी जो अनंत परमाणु ग्रहण करते हैं उसमें कर्म परमाणु में कोई ग्रहित है, कोई अग्रहित है और कोई मिश्र है, ख्याल आ रहा है ना। और वापस वो का वो यंत्र पूरा करो, पूरा हो जाए जो पहले समय में परमाणु कर्म परमाणु ग्रहण किए थे। अब उसे आठ कर्म लेना है, आठ कर्म, जानावरणी, कृष्णावरणी, मोनी, अंतग्राय, वेदनिया, आयु, नाम और होश, सारे के सारे। और उसके खाली खाली भेद नहीं, उसके प्रभेद भी, मूल प्रकृति नहीं, उसकी जो उत्तर 148 प्रकृति, सारे के सारे। जब वो वापस पहले समय में जो ग्रहण किए थे और वो के वो ही परमाणु वापस ग्रहण करेगा, तब जाके उसका एक कर्म फुटगल परावर्तन पूरा। क्योंकि एक फुटगल परावर्तन माने एक नौ कर्म परावर्तन प्लस एक कर्म परावर्तन, ये दोनों को मिला के एक फुटगल परावर्तन होगा। अपन जो बोलते ना सम्यक दृष्टि को, सम्यक दर्शन के बाद अर्ध पुज्जल परावर्तन का काल, अब क्या लेना अर्ध पुज्जल परावर्तन में, अर्ध पुज्जल परावर्तन में ये नौ कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन दोनों को पूरा होने का समय समान है, दोनों का समय। अब अर्ध पुज्जल परावर्तन में क्या लेना, दोनों मिला के पुज्जल परावर्तन हुआ ना, कर्म पुज्जल परावर्तन और नौ कर्म पुज्जल परावर्तन। तो अर्ध पुज्जल परावर्तन में नौ कर्म परावर्तन का आधा नहीं, या तो पूरा नौ कर्म लो या तो पूरा कर्म परावर्तन लो, क्योंकि दोनों को मिलके एक पुज्जल परावर्तन। तो आधा क्या होगा, एक नौ कर्म पुज्जल परावर्तन के पूरा समय जितना लगेगा उसको बोलेंगे अर्ध पुज्जल परावर्तन। माने सम्यक दर्शन के बाद संसार में रखेगा जी मैक्सिमम, तो भी कितना रख सकता है जी, और जो पुज्जल परावर्तन, और वो भी आगम में कहा है, वो कोई छोटा मोटा काल नहीं है, वो कितना काल है, अनंत काल है। पर एक चीज हो गई, सम्यक दर्शन होने के बाद एक चीज नक्की हो गई, क्या नक्की हो गया, क्या नक्की हो गया, इंद्रांत जी कह रहे सीट रिजर्व हो गई, सीट नक्की हो गई अब, और वो भी एक मिथ्या दृष्टि को जो अनंत संसार है ना उसके सामने, ये तो कितना है बता आपको, समुद्र में बिंदु समान। संसार क्या हो गया, मर्यादित हो गया, और एक अज्ञानी को संसार कैसा है, अमर्यादित, उसका कोई अंत नहीं है। पर ज्ञानियों को तो संसार कैसा हो गया, मर्यादित हो गया है, रिजर्वेशन हो गया। अब अल्प समय में विचार करके वो भी राग को तोड़ के क्या जाने वाला है, मोक्ष में जाने वाला ही। जैसे सीता सती जी और रामचंद्र जी का आता है, जब रामचंद्र जी का राग था तो अग्नि परीक्षा के बाद रामचंद्र जी ने किसको किसको लेने आए, पर सीता जी को उस समय क्या हो गया था, तो वो तो चले गए ना आरजी का पद धारण कर। पर हुआ क्या, जब सीता जी स्वर्ग में है अभी है ना, जति इंद्र है ना, है ना, और रामचंद्र जी जब बुरी अवस्था में थे तब क्या करने आए वो, क्या उन्होंने अवधि ज्ञान में क्या देखा कि रामचंद्र जी कहा बैठे अभी ध्यान में बैठे हैं, और अगर अभी पुरुषार्थ
उपड़ेगा, पुरुषार्थ जगेगा तो कहाँ चले जाइए? तो अब चलो, कहाँ चलो? रामचंद्र जी के पास। क्या करने चलो? भंग करने चलो? क्योंकि मोक्ष भी कैसे जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? और आए क्या करने आए? सदुपयोग के व्रत करने आए, अलग अलग प्रकार के क्या किए, नृत्य किए, उत्सर्ग किए, पर रामचंद्र जी दिखे के नहीं, नहीं दिखे ना? सदुपयोग में लीन रहे और इतना तीव्र पुरुषार्थ हुआ कि वही से वही केवल ज्ञान लेकर मोक्ष में आ रहा है कि नहीं? आज बहुत बढ़िया पंक्ति की लाइन आई थी ना पूजा में, चक्रवर्ती के भी भोग नहीं आकर्षण कर आखिर आकर्षित कर सकते हैं। सब आ रहे कि नहीं? कुछ भी हो जाए बाद में, कितने भी अप्सराओं, कितनी भी रानिया, कितने भी वैभव, पर वो ज्ञानियों को क्या नहीं कर सकते? आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञानी कितने आकर्षित हो गए हैं अपने स्वभाव। फिर कैसा भी बार में आया था ना तेज सुदर्शन, कितना रानी ने किया, क्या हो सका बोलो? कोई दम है? कोई नौ कर्म में दम नहीं, कर्म के उदय में दम नहीं, अरे राग में दम नहीं, क्योंकि गायक इतना वजनदार तत्व है कि कोई एक गायक और एक गायक की परिणति को बिगाड़ सके किसी में ताकत नहीं है। एक बार वो परिणति स्वभाव सम्मुख हुई तो ऐसी जम गई कि निर्जरा अधिकार में कहा ना, भेदावा भेदावा, कोई अन्य नहीं जावे तो भी ये परिणति गायक से कभी विमुख होने वाली नहीं आ रही थी। ऐसा हमने आज ये पूरा द्रव्य परावर्तन देखा, इसका थोड़ा सा फिर से एक चार बिंदु और बाकी है, वो चार बिंदु आज ना लेके, वो चार बिंदु जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसे और हमको एक उज्ज्वल परावर्तन का एक थोड़ा स्वरूप और समझ में आ जाएगा, वो करके हम कल जो दूसरा परावर्तन है जिसका नाम क्षेत्र परावर्तन है, अब वो इससे अनंत गुना बड़ा है, इसमें इसको ही पता नहीं है अभी क्षेत्र परावर्तन। अब तो कहाँ तक पहुँचना है अपने को? काल भौ और नारद ही नहीं है। ऐसा हम कल क्षेत्र परावर्तन का स्वरूप देखेंगे और ऐसे हम चैतन्य तत्व, चैतन्य द्रव्य, जी द्रव्य के आश्रय से, सिद्धात्मा के आश्रय से इस द्रव्य परावर्तन को तोड़ के अनंत जाले में विराजमान हो जाए। असली मंगल मंत्र